थिंग आई रिमेम्बर कि लास्ट मीटिंग मेरी जब डॉक्टर सुनेत्री से हुई थी, मैं अपनी मॉम के साथ आई थी, तो मैम ने एक बहुत अच्छी बात मुझे बताई थी कि जैसे आप चाय भी बनाते हो तो उसमें देर इज लाइक ए बैलेंस कि ये चीज़ अब डालनी है, ये चीज़ अब डालनी है, लाइक दिस इज हाउ थिंग्स वर्क. हाँ, जैसे अभी ये पॉडकास्ट हम शूट कर रहे हैं तो हमने एक सेटअप बनाया है. अगर इनमें एक भी इंग्रेडिएंट कम होगा, हाँ छोटा मोटा चल सकता है, या एक भी इंग्रेडिएंट अपने टाइम पे काम नहीं करेगा तो गड़बड़ हो जाएगी. फॉर एग्जांपल, आपका प्रश्न पूरा होने से पहले मैंने आंसर कर दिया, या मैंने ही आंसर किया, या आपने मुझे टाइम ही नहीं दिया, या इस कैमरे ने काम नहीं किया, माइक ने काम नहीं किया, या इतने सहयोगी हैं, आपका स्टूडियो इतना बढ़िया बड़ा है. थैंक यू. तो इन सहयोगियों में से किसी ने भी अगर काम नहीं किया तो ये सारी हमारा जो रिजल्टेंट आएगा वो प्रॉपर नहीं आएगा. तो जैसे वात पित्त कफ, तीन दोष जो आजकल सब लोग शायद समझते होंगे, सप्त धातुएं, त्रिमल रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, त्रिमल ठीक है, मूत्र पुरुष श्वेत. हम ऐसा मेनली मोटा मोटा ये कहते हैं जब ये जैसे बीमारी में क्या होता है, ये बिगड़ जाते हैं. अपनी जगह पे भी बिगड़ सकते हैं, अपना काम भी बिगाड़ सकते हैं, और अपनी जगह से उठ के दूसरे का भी काम बिगाड़ सकते हैं. तो यही सब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, इसी सब को होमियोस्टेसिस में लाना ही आयुर्वेद का प्रमुख उद्देश्य है. सिर्फ ये नहीं है कि आपका सर दर्द है तो सर दर्द ठीक हो जाए. फॉर एग्जाम्पल, आजकल आप देखते हैं कि एक टर्म आई है कि पेन किलर इंड्यूस्ड हेडेक, जो दवाई, और ये आप पढ़ सकते हैं इसके, इस पे पूरा एक रिसर्च भी है कि जो दवाई दर्द ठीक करती थी आज वही दवा दर्द इंड्यूस कर रही है. सो बहुत सारे टर्म्स चेंज होते रहते हैं, हर पैथी अपने को इवॉल्व करती रहती है. तो हमें क्यों ऐसा हुआ कि वही चीज़ आज सिरदर्द क्रिएट कर रही है, इसका मतलब उसने कुछ ऐसे केमिकल कॉम्पोजिशन बॉडी में चेंज करे, या वो दर्द की दवा बहुत समय तक रोज हम खाते रहे तो हमारे बॉडी में रह गया उसका एक नैनो पार्टिकल. Okay. जो क्लेंज नहीं हुआ, ठीक है, जो गया नहीं, तो इससे दो, या अगर वो ज्यादा हो गया तो उसने काम उल्टा करना शुरू कर दिया, अगर वो रेगुलर रहा तो उसने रेजिस्टेंस क्रिएट कर दिया. मतलब वही दवा अब आराम नहीं कर रही है जो दवा पहले आराम कर रही थी. Yes. है ना. तो यहाँ बात आती है फिर पंचकर्मा की, कि पंचकर्म से आप अपनी बॉडी को दोबारा उसी स्टेज पे ला सकते हैं जो होम्योस्टेसिस और हेल्थ की स्टेज है. ओके मैम, इससे मुझे याद आया कि एक बार ऐसे ही मुझे किसी रिलेटिव ने सजेस्ट किया कि डिटॉक्स इज़ वेरी गुड, आयुर्वेदा डिटॉक्स इज़ वेरी गुड एंड यू शुड ट्राई इट वंस. तो मैंने ट्राई नहीं किया, बट देन आई सजेस्टेड माय फ्रेंड, उसको स्किन का कुछ प्रॉब्लम हो गया था और वो कहीं पे भी क्योर नहीं हो रहा था. डॉक्टर सेड कि नहीं हो पाएगा, स्किन का प्रॉब्लम रिवर्स नहीं कर सकते आप. तो उसको मैंने बोला कि यू कैन मीट डॉक्टर से, तो शी मेट, उन्होंने एक डिटॉक्स, उनका बॉडी डिटॉक्स किया एंड उसको अच्छे रिजल्ट्स मिले, बहुत अच्छे रिजल्ट मिले इनफैक्ट.